पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कई कड़े कदम उठाए। पहला, 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के बालाकोट में दाखिल हुई और एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया। 27 फरवरी को पाकिस्तान की वायुसेना भारत को जवाब देने के लिए जम्मू कश्मीर में घुसती है और हवाई हमले करती है। जवाब में भारतीय वायुसेना भी उतरती है। हालांकि इस दौरान भारतीय MiG-21 पाकिस्तानी सेना के हमले की चपेट में आ जाता है और पाकिस्तान में गिर जाता है। इसके बाद MiG-21 के पायलट अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तानी सैनिक पकड़ लेते हैं। 1 मार्च 2019 को अमेरिका और अन्य देशों के दबाव की वजह से पाकिस्तानी सेना अभिनंदन वर्धमान को रिहा करती है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सभी व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए। भारत सरकार ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डालने की मांग भी की थी।